हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपने बैंक में दो अकाउंट खोल रखे हैं तो क्या नुकसान या क्या फायदे होते हैं इन दो अकाउंटों को रखने से। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक, ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब बटन को बेल आइकन के साथ प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर लें। व्यूअर्स, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके बैंक में एक से अधिक अकाउंट हैं। चाहे उन अकाउंट की उनको जरूरत है या नहीं है, फिर भी वो दो बैंकों में अपने अकाउंट को ओपन करवा के रखते हैं। जबकि RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार किसी भी सेम बैंक में आप दो अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। जैसे अगर आपका अकाउंट पहले से ही SBI बैंक में है तो आप दूसरा अकाउंट भी SBI बैंक में ओपन नहीं करा सकते। किसी अन्य बैंक में तो ओपन करा सकते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि में, लेकिन एक ही ब्रांच की बैंक में आप दो सेम अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। अगर आपका पहले से ही सेविंग अकाउंट है तो उसी बैंक में आप करंट अकाउंट तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन दो सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या नुकसान और क्या क्या फायदे होते हैं दो अकाउंट को बैंक में रखने से। सबसे पहले हम कुछ नुकसान के बारे में जान लेते हैं कि ऐसे क्या क्या नुकसान होते हैं दो अकाउंट के होने पर। सबसे पहली प्रॉब्लम है व्यूअर्स, मिनिमम बैलेंस को मेंटेन न करने की। RBI ने सभी बैंकों को निर्देशित किया है कि वो अपने सभी खाता धारकों को एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन कराए। तो आपने देखा होगा सभी सरकारी या प्राइवेट बैंकों ने मिनिमम बैलेंस की एक लिमिट निर्धारित कर रखी है। अगर हम अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो हमारे अकाउंट से वो कुछ चार्ज पेनल्टी के रूप में काट लेती है। सबसे बड़ा नुकसान यही है कि दो सेविंग अकाउंट या दो अकाउंटों के मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने की। यानी अगर आपके बैंक में ज्यादा अकाउंट होंगे तो ज्यादा अमाउंट आपका बैंक में ही फंसा रह जाता है। दूसरा नुकसान है व्यूअर्स, सेविंग अकाउंट पर कम इंटरेस्ट का होना। अगर आपके बैंक में दो सेविंग अकाउंट हैं और उनमें जो पैसा आपका डला हुआ है उस पर बैंक सालाना 4-5% का इंटरेस्ट देती है, जबकि यही पैसा आप किन्हीं अन्य सेविंग योजनाओं जैसे पोस्ट ऑफिस स्कीम, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार पर लगाते हैं तो इस पैसे पर बैंक से अधिक इंटरेस्ट मिलता है। व्यूअर्स, अगर आपके पास एक से अधिक अकाउंट हैं, तो एक प्रॉब्लम और आती है और वो है अकाउंट को मेंटेन करने की। कभी कभी क्या होता है कि हमने किसी पार्टी को चेक से पेमेंट कर दिया है तो हम खुद भूल जाते हैं कि किस बैंक का चेक हमने उसे दिया है, या अगर हम नेट बैंकिंग करते हैं तो उनके पासवर्ड वगैरह भी कभी कभी हम भूल जाते हैं। अगली परेशानी है व्यूअर्स कि अगर हम इनकम टैक्स वगैरह जमा करते हैं तो उसमें भी हमसे सभी बैंक की डिटेल मांगी जाती है। उन सभी बैंक के ट्रांजैक्शन के स्टेटमेंट हमको अपने CA को देने पड़ते हैं, जिनको इकट्ठा करने में हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये तो हुए बैंक में कुछ परेशानियां। अब हम जानते हैं इनके फायदे के बारे में कि अगर एक से अधिक अकाउंट है तो इसके ऐसे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपका कारोबार बड़ा है और सभी ट्रांजैक्शन चेक से करते हैं, अगर एक ही बैंक में अकाउंट है तो चेक बुक जल्दी खत्म हो जाती है। ज्यादा बैंकों में अकाउंट होने से हमारे पास चेक बुक की संख्या ज्यादा होती है तो ये समस्या हमारी खत्म हो जाती है। दूसरा फायदा है, एक से अधिक बैंक में अकाउंट होने से क्रेडिट कार्ड भी एक से अधिक हमारे पास हो सकते हैं, जिससे अकस्मात व्यापार में पैसे की अगर आवश्यकता आ जाती है तो ये प्रॉब्लम भी हमारी खत्म हो जाती है। अगला फायदा है व्यूअर्स, आजकल हर बैंक ने ATM में ट्रांजैक्शन की एक लिमिट फिक्स करके रखी हुई है। सेम बैंक के ATM से 5 बार व अन्य से 3 बार ट्रांजैक्शन की सुविधा फ्री मिली हुई है। अगर 5 ट्रांजैक्शन से ज्यादा बार ATM से पैसे निकालते हैं तो बैंक पर ट्रांजैक्शन कुछ चार्ज हमसे वसूलता है। तो अगर हमारे पास एक से अधिक अकाउंट है तो ATM से ज्यादा बार पैसे हम निकाल सकते हैं। एक अन्य फायदा और ले सकते हैं व्यूअर्स,
कि अगर हमें बैंक कम इंटरेस्ट दे रही है तो हम दूसरी ऐसी बैंक में खाता खुलवा सकते हैं जो ज्यादा ब्याज हमें देती है। तो व्यूअर्स, देखा आपने कि क्या क्या नुकसान और फायदे होते हैं एक से अधिक अकाउंट को खोलने में। तो ये आपको देखना है कि एक से अधिक बैंक में अकाउंट रखने से आपका फायदा हो रहा है या नुकसान। अगर नुकसान हो रहा है तो उन अकाउंट को बंद कर देने में ही हमारी भलाई है। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे इसका नॉलेज दूसरों को भी मिले। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो वो वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। धन्यवाद।